Standard 10 English. My dear children, in this video we are going to study the lesson The Night I Met Einstein. The Night I Met Einstein. The writer of this lesson is Jerome Weidman. Jerome Weidman, 1913 to 1998, was an American playwright and novelist. Jerome Weidman, jinka birth 1913 go aur jinka death 1919 go hui, was an American playwright. Playwright means a person who writes drama. Play likhne wala, drama likhne wala, natak likhne wale vyakti ko playwright kehte hain. So he was an American playwright and saath mein he was a novelist. Novelist means novels likhne wale vyakti. In 1960, he won the Pulitzer Prize for his work, a musical drama titled Fiorello. 1960 mein, Jerome Weidman won the Pulitzer Prize. Pulitzer Prize, it's an award. Ek award ka naam hai jo America mein literature ke liye diya jata hai. Sahitya ke field mein jo work karte hain. लिटरेचर या फिर जर्नलिज्म उसके फील्ड में अच्छा काम कुछ करने के लिए मिलने वाला एक अवार्ड का नाम है पुलित्जर प्राइज फॉर हिज वर्क. उनका कुछ एक काम के लिए जो उसका नाम है फियोरेलो. इट वाज अ म्यूजिकल ड्रामा फियोरेलो. ही कोलैबोरेटेड विद जॉर्ज एबॉट, जेरी बॉक एंड शेल्डन हामिक टू फॉर हिज म्यूजिक एंड लिरिक्स. ये जो ड्रामा है, म्यूजिकल ड्रामा है जिसका नाम है फियोरेलो, इसमें जो म्यूजिक्स है और लिरिक्स है, लिरिक्स मीन्स द लाइन्स ऑफ सॉन्ग, इस दोनों काम के लिए, म्यूजिक और लिरिक के लिए ही कोलैबोरेटेड, यानी उन्होंने साथ मिलाया या ही टीम्ड अप विथ जॉर्ज एबॉट एंड जेरी बॉक एंड वन मोर पर्सन शेल्डन हामिक. जॉर्ज एबॉट, शेरी बॉक और शेल्डन हामिक, इन तीनों को मिलाकर, कोलैबोरेटेड मीन्स bring together to make a team. ऐसा इन तीनों के साथ मिलकर एक टीम वर्क बनाकर इन्होंने ये फियोरेलो नाम का बुक लिखा है. His book, I Can Get It For You Wholesale, has also been used for a movie of the same name. उनका एक बुक का नाम है I Can Get It For You Wholesale. ये बुक को सेम नाम से एक मूवी में ट्रांसलेट किया या एक मूवी बनाया इस बुक के आधार पर. एंड द नेम ऑफ द मूवी ऑल्सो वॉज सेम, आई कैन गेट इट फॉर यू होल सेल. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. व्हेन आई वॉज अ वेरी यंग मैन, आई वॉज इन्वाइटेड टू डाइन एट द हाउस ऑफ अ फिलैंथ्रोपिस्ट. व्हेन आई वॉज अ वेरी यंग मैन, जब मैं एक बहुत यंग आदमी था, यानी नौजवान था, I was invited to dine. To dine means to have dinner. Dinner के लिए मुझे invite किया गया at the house of a philanthropist. Philanthropist means a man, a person who donates money for others' well-being. ऐसा व्यक्ति जिनके पास पैसा बहुत है और वो पैसा दूसरे के भले के लिए डोनेट करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट. तो एक फिलैंथ्रोपिस्ट के घर पे मुझे इनवाइट किया गया टू हैव डिनर. आफ्टर वंडरफुल डिनर, बहुत ही अच्छा शानदार एक डिनर के बाद, आर होस्टेस टुक अस टू अ लार्ज ड्राइंग रूम. होस्टेस मीन्स जो मेहमान नवाजी करने के लिए जो लेडी होती है उनको होस्टेस कहते हैं. हमारी जो होस्टेस है, टुक अस टू अ लार्ज ड्राइंग रूम, हमें एक बड़ा सा ड्राइंग रूम में, मीन्स एक बड़ा हॉल में ले गई. चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड, वहाँ पर चेयर अरेंज किया हुआ था, अरेंज किए जा रहे थे. आई एम अरेंजिंग द चेयर्स फॉर अ कॉन्सर्ट, माई होस्टेस सेड. मेरी होस्टेस यानी वो जो परिचारिका या फिर वो मेहमान नवाजी करने के लिए जो लेडी को रखे हैं, जैसे कि एयरोप्लेन में एयर होस्टेस होता है, सभी को सर्व करने के लिए जो लेडी. तो आई एम अरेंजिंग द चेयर्स फॉर अ कॉन्सर्ट. कॉन्सर्ट मीन्स अ परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक बाय प्लेयर्स और सिंगर्स. प्लेयर्स यानी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले या सिंगिंग करने वाले, एक पब्लिक
परफॉर्मेंस करते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्सर्ट. एक कॉन्सर्ट के लिए मैं चेयर्स अरेंज कर रही हूँ. वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट. एक ही बहुत ही अच्छा पियानिस्ट. पियानिस्ट मीन्स अ पर्सन हु प्लेज द पियानो. पियानो बजाने वाले एक बहुत ही अच्छा एक पियानिस्ट का गाना हम सुनने जा रहे हैं. दो एवरीवन एल्स वॉज वेरी हैप्पी. भले ही दो मीन्स भले ही बाकी सभी लोग बहुत ही खुश हो गए ये सुनकर. आई वॉज नॉट. लेकिन मैं खुश नहीं था. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक. व्हाई आई वॉज नॉट हैप्पी? बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक. मुझे क्लासिकल म्यूजिक समझ में नहीं आता था. आई थॉट आई वॉज टोन डेफ. आई वॉज टोन डेफ. टोन डेफ मीन्स अ पर्सन who is unable to hear the difference between the high and low notes of a music. एक म्यूजिक में अलग अलग नोट्स होते हैं, अलग अलग पिच होते हैं. तो म्यूजिक को अच्छी तरह समझने का जिसको कैपेसिटी नहीं है उन्हें टोन डेफ कहते हैं. अलग अलग नोट का डिफरेंस क्या है. ऐसे कोई व्यक्ति होता है कि कोई भी म्यूजिक सुना उनको सब म्यूजिक एक जैसा लगता है. म्यूजिक के अंदर का जो चेंजेस है फ़र्क है वो समझ में नहीं आता. ऐसे लोगों को टोन डेफ कहते हैं. सो द आवर राइटर ऑल्सो थॉट दैट ही वॉज टोन डेफ. आई सैट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट. फिर भी मैं वहाँ पर बैठा रहा क्योंकि ऐसा एक पार्टी में आया है तो आई कुड नॉट बी इम्पोलाइट. मैं बाकी लोगों के सामने इम्पोलाइट होना नहीं चाहता था या हो नहीं सकता. आई वॉन्टेड टू बी पोलाइट सो आई हैड टू सिट देयर एंड वेटेड फॉर द कॉन्सर्ट टू बिगिन. बाकी लोगों के साथ मैं भी कॉन्सर्ट को शुरू होने के लिए वेट करते रहा. आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द म्यूजिक आफ्टर इट बिगैन. म्यूजिक तो स्टार्ट हुआ बट आई डिड नॉट पे अटेंशन. मैंने उसमें ध्यान ही नहीं दिया बिकॉज आई नो दैट आई वॉज टोन डेफ. मैं जानता हूँ कि मैं टोन डेफ है. सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी म्यूजिक. मुझे म्यूजिक नहीं समझ में आता. दैट्स वाई आई डिड नॉट पे अटेंशन. इसके लिए मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. आफ्टर अ वाइल आई हर्ड एवरीवन क्लैपिंग. थोड़ी देर के बाद आई हर्ड एवरीवन क्लैपिंग. सभी लोगों को क्लैप करते हुए मैंने देखा सुना. सो आई रियलाइज दैट. तभी मुझे समझ में आया कि द पीस वॉज ओवर. द पीस वॉज मीन्स द पीस ऑफ दैट म्यूजिक. उस म्यूजिकल जो परफॉर्मेंस है वो खत्म हुआ मुझे पता चला. जस्ट देन आई हर्ड अ जेंटल बट फर्म वॉइस सेइंग. तो इतने में ही ऑन द स्पॉट जैसे ही वो क्लैपिंग हो गया एंड आई अंडरस्टूड दैट पीस ऑफ म्यूजिक वॉज ओवर एंड सडनली आई हर्ड अ जेंटल बट फर्म वॉइस सेइंग. तो तभी तुरंत मैंने एक जेंटल बहुत ही अच्छा एक जेंटल वॉइस. But that voice was firm. Firm means मजबूत. एक firm voice मैंने सुना. You are fond of Buck? क्या तुम Buck के fan हो? यानी तुमको Buck पसंद हो? ऐसा किसी ने मुझसे पूछा. यहाँ पर आपने एक नाम देखा. What is that? Bach. And who is this Bach? His full name is Johann Sebastian Bach. And he is a German organist. एंड अ कंपोजर. म्यूजिकल कंपोजर है और जर्मनी का व्यक्ति है. एंड ही वॉज ऑफ द 17th सेंचुरी. जोहान सेबेस्टियन बाक. ओके लेट्स कंटिन्यू. आई न्यू एज मच अबाउट बाक एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स. आई न्यू एज मच अबाउट बाक एज आई डिड नॉट डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स. जितना मैं न्यूक्लियर फिजिक्स जानता हूँ उतना ही मैं किसको भी जानता हूँ? बाख को. कहने का मतलब यह है कि ना मैं जितना मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता उसी तरह आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट बाख. मैंने बाख के बारे में भी कुछ मैं नहीं जानता था. आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन. सो समवन केम टू मी एंड आस्क्ड whether I was fond of Bach. So I thought any of the ordinary person must have come to me and I was supposed to give an ordinary answer to that person. Us vyakti ko main aise ek ordinary sadharan jawab dekar I wanted to get rid of the situation aur situation se nikal jana chahta tha. I turned in order to look at my neighbor. So I turned
myself so that I can see, so that I could see who came to me, who is the neighbor who asked me the question. Kon mere paas baju mein baitha hai jo sawal mujhe kiya. So when I turned to see who it was, I saw a very famous face. मैंने किसको देखा? बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही जाने माने एक व्यक्ति का चेहरा मैंने देखा. इट वॉज समवन विद अ शॉक ऑफ वाइट हेयर एंड अ पाइप. ये कोई और नहीं था. कौन था? समवन विद अ शॉक ऑफ वाइट हेयर. शॉक मीन्स इट्स अ बहुत सारे हेयर का गुच्छे को कहते हैं शॉक. अ बंच ऑफ हेयर, दैट इज कॉल्ड शॉक ऑफ वाइट हेयर. सफ़ेद बाल पूरे एंड अ पाइप, हाथ में एक पाइप जो सिगरेट जैसा पहले के लाइफ जमाने में जो यूज़ करते थे, इट्स अ पाइप. तो वो एक पाइप पकड़ा हुआ एक सफ़ेद बाल वाला एक फेमस फेस को मैंने देखा. दैट मीन्स ही वॉज नो वन एल्स, नो वन बट हु ही वॉज, ही वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन, द फेमस साइंटिस्ट. आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रूथ. जैसे ही पता चला कि कौन व्यक्ति ये सवाल कर रहा है, तो हमारा राइटर का मेंटालिटी चेंज हो गया. ही वॉज सपोज टू गिव एन ऑर्डिनरी आंसर, बट आफ्टर ही सॉ हुम वॉज टॉकिंग टू हिम, कौन उनसे बात कर रहा है देखा, तो ही थॉट दैट ही हैड टू टेल द ट्रूथ. इनसे तो झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है. ही लुक्ड एट मी एज इफ माई आंसर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे कि, एज इफ, जैसे कि इट्स एडवर्ब प्लस ऑफ मैनर. माई आंसर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा जवाब उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसा तरीके से वो देख रहे थे. आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट बाघ, आई सेड, मैंने सच बोल दिया उनको. आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट बाघ, मैं बाघ के बारे में कुछ नहीं जानता. आई सेड आई हैव नेवर हर्ड एनी ऑफ हिज म्यूजिक, मैंने कभी उनका कोई भी म्यूजिक को नहीं सुना है. ही लुक्ड सरप्राइज्ड, मेरा ये जवाब सुनकर आइंस्टाइन बहुत ही सरप्राइज हो गए. यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बाख, ही आस्क्ड, तुम कभी बाख के बारे में सुना नहीं? ही मेड इट साउंड एज इफ आई हैड सेड दैट आई हैड नेवर टेकन अ बाथ. ही मेड इट साउंड, उन्होंने इस तरह बोल रहा था जैसे कि आई हैड सेड, जैसे कि मैंने उनको ये बोल दिया, आई हैड नेवर टेकन अ बाथ, मैंने लाइफ में कभी नहाया ही नहीं, ऐसा बोलने जैसा उनका सरप्राइजिंग वॉइस था. अगर मैं कोई एक व्यक्ति को बोलूँ लाइफ में आज तक मैं नहाया नहीं, स्नान नहीं किया, तो उनका कैसा रिएक्शन होगा? वैसा कुछ रिएक्शन था सर आइज़क न्यूटन का, सॉरी सर अल्बर्ट आइंस्टीन का. आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बाख, आई सेड आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक, मैं म्यूजिक समझना पसंद करता हूँ, चाहता हूँ, सो दैट ताकि आई कुड अंडरस्टैंड बाख, ताकि मैं बाघ को समझ सकूँ, बाघ का म्यूजिक को समझ सकूँ. बट आई एम नॉट एबल टू, लेकिन मैं कर नहीं सकता. आई एम टोन डेफ, क्योंकि मैं टोन डेफ हूँ, ऐसा हमारा राइटर ने किसको बताया? अल्बर्ट आइंस्टाइन को. द ओल्ड मैन गॉट अप, हु इज़ द ओल्ड मैन हियर? ऑब्वियसली अल्बर्ट आइंस्टाइन. वो उठे. यू विल कम अप विथ मी, ही आस्क्ड, तुम मेरे साथ चलोगे? उन्होंने पूछा. आई जस्ट रिमेन सीटेड, मैं वहीं के वहीं रिमेंड सीटेड, यानी वहीं के वहीं बैठे रहा. आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विथ मी, ही आस्क्ड, ही सेड अगेन. वो फिर मुझसे बोला, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विथ मी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ आ जाइए. सो आई वेंट अप विथ हिम, उनके साथ मैं गया. ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रामोफोन इन इट, वो मेरे मुझे लेकर गया जिस रूम में एक ग्रामोफोन रखा है. एक ग्रामोफोन, ग्रामोफोन इज एन इंस्ट्रूमेंट, यू नो, पहले के टाइम पे म्यूजिक सुनने के लिए ज़्यादातर यूज़ करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट, जब ये टेप रिकॉर्डर वगैरह आने से पहले ग्रामोफोन यूज़ किया करता था. उसका इमेज भी यहाँ पर दिया हुआ है आपको, यहाँ पर जो ये जो छोटे से टीपॉय पे रखा हुआ इस इंस्ट्रूमेंट को ग्रामोफोन कहते हैं. तो एक सीडी डिस्क जैसा एक डिस्क इस पे डालते हैं, और एक छोटा सा हैंडल जैसा एक चीज़ होता है, उस पे टच करने पर वो घूमना चालू हो जाता है, और वो म्यूज़िक जो उसके अंदर स्टोर है वो म्यूज़िक सुनने लगता है. व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, तो वो रूम में ले जाने के बाद आइंस्टाइन ने हमारे राइटर से पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक यू लाइक, कौन सा तरीके का, कौन से टाइप ऑफ म्यूज़िक तुम्हें पसंद है? वेल आई आंसर, आई लाइक सॉन्ग्स दैट हैव वर्ड्स, इन्होंने कहा.
आई लाइक सॉन्ग्स दैट हैव वर्ड्स. ऐसा गाना जिसमें वर्ड्स हो. इवन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट ओनली. ओके. एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर आई कैन फॉलो द ट्यून. और वैसा म्यूजिक, ऐसे तरीके के म्यूजिक जहाँ पर आई कैन फॉलो द ट्यून, ट्यून को मैं फॉलो कर सकूँ या समझ सकूँ. ही स्माइल्ड एंड नॉडेड. वो मुस्कुराए. एंड नॉडेड, नॉडेड मीन्स सर हिलाए, मीन्स मूव द हेड अप एंड डाउन टू इंडिकेट द एग्रीमेंट. ओके ओके कहने के लिए जो मूवमेंट हम सर का कहते हैं, सर का ऊपर नीचे जो मूवमेंट कहते हैं उसको कहते हैं नॉडेड. ऑब्वियसली प्लीज्ड. और इनका ये जवाब से बहुत खुश होकर ही नॉडेड. ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली, प्लीज्ड मीन्स हैप्पी. यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल परहैप्स. हो सकेगा तो आप मुझे शायद एक एग्जाम्पल बताओगे व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक. आई टोल्ड हिम आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग क्रॉस्बी. तो मैंने बोला बिंग क्रॉस्बी के कोई भी म्यूजिक चलेगा. बिंग क्रॉस्बी इज अनदर सिंगर, अमेरिकन सिंगर. ही वॉज अ सिंगर एज वेल एज ही वॉज एन एक्टर. तो उनका कोई भी म्यूजिक चलेगा. एट वंस आई कुड हियर बिंग क्रॉस्बीज वॉइस फिलिंग द रूम. तो ऑन द स्पॉट मुझे मिला बिंग क्रॉस्बी का वॉइस सुनने मिला, फिलिंग द रूम, यानी वो पूरे रूम में फिल होकर या पूरे रूम में उनके आवाज़ तरंगने लगा या गूंजने लगा. बिंग क्रॉस्बी, दैट मीन्स आइंस्टीन प्लेड द वन ऑफ द सॉन्ग ऑफ बिंग, वन ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ बिंग क्रॉस्बी. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी वॉट यू जस्ट हर्ड. वो गाना सुनने के बाद आइंस्टीन ने सवाल किया मुझसे. ही सेड कैन यू प्लीज टेल मी वॉट यू जस्ट हर्ड. आप अभी क्या सुना वो आप मुझे बता सकते हैं. द सिंपलेस्ट आंसर सीम टू बी टू सिंग द लाइन्स. उनको क्या मैंने सुना वो बताने के लिए ईजी वे वॉज टू सिंग द सॉन्ग बैक. उस सॉन्ग को वापस से गाकर सुनाना. दैट इज द बेस्ट वे कि मैंने क्या सुना. सो आई सैंग इट बैक टू हिम. तो इसके लिए मैंने वो सॉन्ग को उनको गा के सुनाया. आई सैंग इट बैक टू हिम. ही स्माइल्ड, मुस्कुराए. यू आर नॉट टोन डेफ, ही सेड. और उन्होंने मुझसे बोला तुम टोन डेफ नहीं हो. आई टोल्ड हिम दैट दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, समथिंग आई हैड हर्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. सो इट डिडेंट रियली प्रूव एनीथिंग. तो मैंने भी उनसे बोलने लगा आई वॉन्टेड टू क्लियर माई सेल्फ. मैं टोन डेफ है ये मेरा स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना चाहता था. इसके लिए मैंने उनसे कहा दिस सॉन्ग वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स. ये सॉन्ग तो मेरा फेवरेट सॉन्ग्स में से एक है. एंड दिस इज वॉट सम वॉट आई हैड हर्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. ये ऐसा एक सॉन्ग है जो मैंने बहुत बार सुना है. सो इट डिडंट रियली प्रूव एनीथिंग. और इसके लिए ये गाना मैं गाने से कुछ रियल में प्रूव नहीं होता कि मैं टोन डेफ है या नहीं. नॉनसेंस, सेड आइंस्टीन. आइंस्टीन ने जवाब में बोला कि नॉनसेंस, इट प्रूव्स एवरीथिंग. ऐसा नहीं है. ये जो तुमने ये गाना वापस गा सका दैट मीन्स इट प्रूव्स एवरीथिंग. वो सब कुछ प्रूव करता है. डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट अरिथमेटिक लेसन इन स्कूल. तुम याद करते हो, तुमको याद है तुम्हारा पहला अरिथमेटिक, दैट मीन्स मैथ्स एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड ऑल. वो लेसन तुम्हें याद है, स्कूल का पहला अरिथमेटिक लेसन. सपोज एट योर वेरी फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ नंबर्स. ऐसा मानो कि सपोज मीन्स मानो सपोज कि तुम्हारे पहला contact with the numbers when you went first time in your school, your teacher had ordered you to work out a problem. और तभी ही direct तुम्हारे teacher ने एक problem दिया, तुमको maths का एक problem दिया and told you to work it out. और उसे solve करो करके तुमसे बोला. Say long division or fractions. मानो कि जैसे बड़े एक division का sum या फिर एक बड़ा fraction का sum दिया, तो could you have done it? अगर टीचर ने ऐसा दिया होता सपोज, तो कुड यू हैव डन इट. तुम क्या वो कर पाते थे? नो, ऑफ कोर्स नॉट. बिल्कुल नहीं कर पाते थे. एक्सैक्टली यही मैं बोल रही हूँ. एक्सैक्टली इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स. ये भी मैथ्स लर्न करने जैसे ही है. यू हैव टू लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लीकेशन एंड डिविशन. तुमको पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब सीखना होगा, तब जाकर तुम मल्टीप्लीकेशन डिविशन कर सकोगे. Now I am playing something a little more advanced. अब मैं तुमको सुनाने वाला हूँ या इसमें मैं प्ले करने वाला हूँ इससे थोड़ा एडवांस. मीन्स वॉट एवर यू हैड हर्ड नाउ, अभी तुमने जो सुना उससे थोड़ा सा एडवांस, यानी उससे थोड़ा और लेवल बढ़ा. इट वॉज
It was John McCormack singing the trumpeter. John McCormack नाम का एक सिंगर कौन सा सॉन्ग द ट्रम्पेटर ये सुन रहे थे मतलब ये गाना गा रहे थे वो गाना इनको सुनाया सिंग दैट बैक ही ऑर्डर्ड आफ्टर हियरिंग द सॉन्ग उन्होंने मुझसे बोला कि सिंग दैट बैक वो गाने को भी वापस गाओ एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल अंटिल ही वॉज प्लेइंग जस्ट म्यूजिक विदाउट वर्ड्स और उसी जगह में बैठकर एक सॉन्ग हो गया उसको मुझसे वापस गाने लगाया फिर एंड देन लेवल आफ्टर लेवल एंड टू अ हायर लेवल और हायर लेवल इस तरह एडवांस लेवल लेवल करते करते ही वॉज प्लेइंग जस्ट अंटिल ही वॉज प्लेइंग जस्ट म्यूजिक विदाउट वर्ड्स ये लेवल तक आया कि वर्ड्स के बिना ओनली म्यूजिक सुनाने लगा I was amazed that this great man was paying complete attention to me so that I could learn something new. I was amazed. Amazed means I was surprised that this gentleman, this great man, ये महान व्यक्ति मेरे लिए इतना complete attention मतलब मेरे तरफ इतना ध्यान दे रहे हैं paying attention means पूरे के पूरे ध्यान दे रहे हैं so that I could learn something new ताकि मैं कुछ नया सीखूं he was spending a lot of time with complete concentration and complete devotion that I could learn a new thing it was as if I was the most important person in this world उनका behavior और उनका concentration इस तरह था जैसे कि आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड फॉर हिम उनके लिए दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन मैं हूँ इस तरह वो बिहेव कर रहे थे सडनली ही गॉट अप और अचानक वो उठे एंड टर्नड ऑफ द ग्रामोफोन को टर्नड ऑफ मीन स्विच्ड ऑफ नाउ यंग मैन ही सेड वी आर रेडी टू लिसन टू बाख अभी हम बाख का म्यूजिक सुनने के लिए रेडी हैं We went down, हम नीचे चले गए means they went upstairs in some in a room. So from there they went down, उन लोग नीचे चले गए and sat in the hall. और उस hall में जाकर बैठे Just allow yourself to listen, he said. अब अपने आप को वो गाना वो music सुनने में अपने आप को permission दो या allow yourself means वो music को सुनो बाकी सब कुछ भूल जाओ और concentrate on the music which is sung there. That's all there is to it. बस उतना ही करना है उसके लिए Just concentrate, listen carefully. I have heard that piece many times since that day. ये जो piece या ये जो music जो बज रहा है I have heard many times before. मैंने इनसे पहले काफ़ी बार सुना है But I am never alone. लेकिन मैं अकेले नहीं हूँ आई एम सिटिंग बिसाइड अ स्मॉल मैन विद अ शॉक ऑफ अनटाइडी हेयर एंड अ पाइप इन हिज माउथ मैं एक छोटे एक आदमी यानी जिसका ज़्यादा कद नहीं है और बहुत थोड़ा एज्ड है सफ़ेद बाल वाले हैं और उनके माउथ में एक पाइप है ऐसा एक आदमी के साथ सामने बाजू में बैठकर मैं सुन रहा हूँ हिज आइज दैट आर ही हैज आइज दैट आर अनयूजुअली वार्म वार्म आइज मीन्स A lovely eyes, the eyes in which we can see love for others. उनके आँखें बहुत ही warm feel करता था unusually means normal जैसा नहीं When the concert ended, जैसे concert खत्म हुआ जैसे music खत्म हुआ I too was able to clap sincerely. मैं भी clap करने लायक था means मुझे भी clap कर पाता था मैं भी समझ गया था कि क्या वो music है I completely enjoyed the music and sincerely I could clap aur pure dil se main clap kar paya our hostess came towards us tabhi hamare jo hostess hai wo hamare paas aayi we both stood up unko dekhkar hum dono khade ho gaye I am so sorry Dr. Einstein she said giving me a cold look that you missed so much wo lady हमारे पास आकर डॉक्टर आइंस्टीन से अल्बर्ट आइंस्टीन से कहा कि आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन रियली मैं मुझे बहुत ही खेद है डॉक्टर आइंस्टाइन दैट यू मिस्ड सो मच आपने बहुत ही म्यूजिक का बहुत पार्ट आप मिस कर दिया बिकॉज दे वर नॉट देयर व्हाइल टेलिंग दिस शी वॉज गिविंग आर राइटर अ कोल्ड लुक क्योंकि जो राइटर यहाँ पर बैठा था जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं वो इतना फेमस व्यक्ति था सो इसलिए उसके तरफ एक कोल्ड लुक यानी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं सा एक लुक देखकर डॉक्टर आइंस्टाइन से कहा कि
आई एम सो सॉरी दैट यू मिस्ड सो मच. आई एम सॉरी टू, मुझे भी खेद है, ही सेड. माय यंग फ्रेंड हियर एंड आई हाउएवर वर एंगेज्ड इन अ ग्रेट इन द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ विच अ ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल. लेकिन ये बात है कि मैं, मेरा ये यंग फ्रेंड और मैं, वी वर एंगेज मीन्स वी वर बिजी इन डूइंग सम ग्रेटेस्ट एक्टिविटी, बहुत ही बड़ा कोई काम कर रहे थे, ऑफ विच अ ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल, जिसमें एक व्यक्ति या एक इंसान कैपेबल हो यानी करने का कैपेसिटी रखता हो, ऐसा एक बड़ा एक्टिविटी हम कर रहे थे. शी लुक्ड पजल्ड, मीन्स पजल्ड मीन्स कन्फ्यूज, उसे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ आइंस्टाइन का एक कहना सुनकर. रियली, शी सेड, एंड व्हाट इज दैट, अच्छा कौन सा ऐसा एक्टिविटी था. आइंस्टाइन स्माइल्ड एंड से आइंस्टाइन मुस्कुराए एंड पुट इज आर्म अक्रॉस माई शोल्डर, और उनका हाथ मेरे शोल्डर के ऊपर से डालते हुए उन्होंने कहा, ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी. कहने का मतलब है कि खूबसूरती का सीमाओं को खोल देना. ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स खूबसूरती और फ्रंटियर मीन्स बॉर्डर, खूबसूरती का बॉर्डर को या सीमाओं को खोलने का काम हम कर रहे थे. So my dear children, this was all about the lesson. I hope you understood the lesson well.